खबर नवागढ़ से। युवा मोर्चा अगरतला नगर मंडल द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा किए गए चूक के विरोध में मशाल रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया। अगरतला विधायक सौरभ सिंह ने कहा, उक्त घटना को पंजाब सरकार द्वारा जानबूझकर की गई। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से आहत होकर कांग्रेस द्वारा ऐसी लापरवाही की गई जो कि निंदनीय है। अगरतला युवा मोर्चा अध्यक्ष पिंटू बरेठ ने बताया कि प्रदेश शीघ्र नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे राज्य में प्रदर्शन किया जा रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अगरतला मंडल और अगरतला मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पंजाब में घटना हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई, इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जिन्होंने कोई कानून को, कोई सिस्टम को और कोई जो स्थापित वीआईपी मूवमेंट का जो ब्लू बुक का सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो चूक एक साजिश थी और इसी को पूरे भारत को बताने के लिए, आगाह करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को ये बताने के लिए कि आप राष्ट्र विरोधी हो, इस बात को बताने के लिए ये मशाल जुलूस यहाँ पर रखा गया है और उस पर सभी हमारे